आज मैंने पूरा एक 12 जनरेशन का ये सिस्टम को असेंबल कर है। उसके लिए आपने पहले आपका प्रोसेसर ले लिए क्योंकि इंटेल 4i5 12 जनरेशन जिसमें 12 ओवर का असल है, साथ में एक मदरबोर्ड भी लिए है, साथ उसका सिस्टम का आपका रैम लिया है 8 GB, आपको दिख रहा है के वी आर, ये है आपका किंगस्टन का रैम 8 GB DDR4 3500 स्पीड है, साथ में एक कैबिनेट दिया है, एसएम पीएस कैबिनेट सब दिए हैं। आप इस पर असेंबली करेंगे, सबसे पहले अपने मदरबोर्ड में प्रोसेसर को फिट करेंगे, उसके बाद आपका ये रैम फिट करेंगे, तब जैसे हम इसको कैबिनेट का रखें फिट करेंगे, उसको कैसे कैसे करेंगे सब एक एक करके हम आपको प्रोसेस बताएंगे। मदरबोर्ड को खोल रहे हैं, चिल्ड आता है तो खोले इसमें मदरबोर्ड में आपका जो विशेषता होता है मदरबोर्ड होता है उसका साथ में प्रोसेसर को फिट करेंगे, उसके साथ में बैक साइड में लगाने के लिए एक प्लेट भी आपका, यह है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का एक है, इसलिए हम इसको सावधानी से करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोसेसर का जहाँ पर बैठेगा मदरबोर्ड को स्टॉप किया, उसका जो कवर होता है उसको निकाल देना पड़ता है, इनके लिए है कवर, इसको निकाल देते हैं, इसको पुश करने से बाहर निकल के आ जाए, इसको निकाल दिया है, इसको हम प्रोसेसर को प्रोसेसर भी आपको पूरा सेट कर देंगे, इंच है आप देखिए कि आपने स्पीकर भी है, सब हम इसे करके करेंगे आपको। सबसे पहले हमें प्रोसेसर को खोले, प्रोसेसर है प्रोसेसर, ये आपका 4i5 12 जनरेशन का है, मतलब 12 आपका प्रोसेसर को बैठा दिए हैं, बैठा है तो बहुत मुश्किल है, पर रात में मदरबोर्ड को टच नहीं करेंगे, मदरबोर्ड को टच करने से मदरबोर्ड खराब हो सकता है, इसलिए इसको टच नहीं करेंगे। अब ये प्रोसेसर को लगा दिए हैं, अब इसको यहाँ पर देखिए फैन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको फैन का कनेक्शन दिया, तो हम इसको इस तरह से बैठेंगे, इसको इस तरह से बैठाना पड़ता है, कैसे बैठा थे इसको कनेक्शन पर यहाँ पर बैठा, कनेक्शन भी आपको डालना दिखा रहे हैं, आप बाद में डालेंगे लेकिन आपको दिखा रहा है सिग्नल पे डालना पड़ता है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप कैसे करके स्विच एक साइड पुश किया है कि ऑपोजिट साइड में भी इसको पुश कर लेते हैं, आपको आवाज मिल रहा है इसको फिट करने के लिए, ये भी बैठ गया आपका, ये भी देखिए कब आपका टाइम। अब हम इसको देखेंगे ये बैठ रही है, बैक साइड में देखेंगे, देखिए बैक साइड में लॉक आपको दिख रहा है, यहाँ पर लॉक दिख रहा है, अभी लॉक मतलब आपका ठीक से फिट। अब इसको हम इसे यहाँ पर बैठा, तो इस मदरबोर्ड के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं 610 में, इसमें क्या है साटा का भी कोड दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 साटा कोड है, साथ में एक छोटा ईपीसीआई का स्लॉट भी दिया हुआ है, और इधर एक आपका पीसीआई स्लॉट है, इधर आपका देखिए इस साइड में आपको दिख रहा है ये NVMe का जो आपका हार्ड डिस्क आता है ना, एक साटा का भी आता है, SSD का, एक NVMe का भी आता है, देखिए यहाँ पर लगाने के लिए इस पर स्लॉट दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, स्लॉट में बैठा के इसको फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए पूरा रेंज में दिया हुआ है, मगर लिखा रहता है ये जो है यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है, तो इनका पास कोई NVMe का ये नहीं है, NVMe का अगर SSD होता तो हम यहाँ पर फिट करते हैं, इनके पास साटा का है SSD है, उसको बाद में फिट करेंगे, वो कस्टमर साइड में जाकर उसको फिट करना पड़ता है। साथ में देखिए दो आपका SSD केबल, मतलब छोटा केबल जो होता है वो केबल भी आपको दिखा है, दो छोटा केबल आपको दिया हुआ है, जीरो में एक लगाएंगे और वन में एक लगाएंगे, यहाँ पर देखिए साटा दिए
सटा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ये सटा हुआ। नीचे इसके बाद 2, 3, 4 इस तरह से है, तो इसको इसी हिसाब से लगाए। इसका बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब इसको इस टाइप का बैठाना है, ऐसी करके उसको बैठाना है। उसको ऐसे करके दबा देते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको लॉक हो जाता है इस तरह से, उसको लॉक करते हैं। आपको दिख रहा है पूरा एसेंबल हम कैसे किए हैं इसको। अब इसको कैबिनेट में कैसे क्लिक करेंगे, अब इसका काम हो गया। इसको हम बैठक देते हैं, हम कैबिनेट ये बोलेंगे कि इसको हम लगा देते हैं, जैसे इसको हम लगाते हैं। एक लगाएंगे इसमें, दूसरा लगाएंगे साटा का, जो दूसरा फोर्ट है साटा फोर्ट टू, देखिए आपका गोल लगा पतला का टीना का है, उसका से बेंड हुआ है। अब इसको सबसे पहले हमको मदरबोर्ड का जो है, देखिए यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, मदरबोर्ड बैठाने के लिए अपना पूरा बैठा हुआ है। देखिए इसमें दिख रहा है स्क्रू, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम खाली इसको बैठा के इसको ऐसे बैठाना पड़ता है, ऐसे कि अपने पकड़िएगा। क्योंकि ऐसी स्टेप लगाएंगे तो ऐसी स्टेप जब लगाएंगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए हम इसको बैठाएंगे। हम बोर्ड को अटैच नहीं करेंगे क्योंकि आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आप इसको एक एक करके आप इसको पहले आपको लास्ट वाला स्कूल दिया है उसको लगाना पड़ता है, इसको लगा दिया है। उधर का भी हमको देखना पड़ेगा लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको लगाएंगे। पहले हम स्क्रू को लगा लेते हैं, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, इसको ड्राइवर में काम करने में भी सुविधा होती है। यहाँ पर है टाइट कर दिए है। इस तरह से आपका जितना भी स्क्रू है सब स्क्रू को यहाँ पर लगा हुआ है। अगर फुल टाइट नहीं करेंगे थोड़ा सा लूज रखेंगे, क्योंकि सबको ठीक से व्हाइट पोल में बैठाना है, इसलिए टाइट कर देंगे तो पोल ठीक से मैच नहीं होगा। लेकिन आपका पोल मैचिंग के लिए उसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, अब जब चारों आपका फिट हो जाएगा तब हम इसमें 24 पिन का SMPS है, इसको लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक स्ट्रिप टाइप है जिसमें ये फंसता है, ये वाला क्लिप जो है इसमें फंसेगा। देखिए इसको लगाएंगे, लगा के इसको पुश करेंगे, वो आपका लॉक हो गया है। नेक्स्ट जो है उसको यहाँ पर फिट करना है। इसको लगा दिए हैं, कनेक्शन हो गया है। तो हार्ड डिस्क के लिए सब रहेगा, हार्ड डिस्क है जो कोई ड्राइव भी लगाएगा उसके लिए जरूरी है। इसमें देखिए 2-3 पॉइंट दिया हुआ है, ये है आपका फोन कनेक्शन के लिए दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है ये कोई USB है। देखिए इसमें ऑडियो है या कोई USB है, हम इसको थोड़ा सा गैप करते हैं। यहाँ पर USB के लिए USB में डालेंगे, ऑडियो के लिए ऑडियो में डालेंगे, ऑडियो देखिए लास्ट में। एक
ये आपका ऑडियो बैटरी है, तो ये है आपका यूएसबी। यूएसबी हम कोई भी पोर्ट में इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर दो यूएसबी का दिया, पांच पोर्ट में लगा सकते हैं। इसको देखना है कि यहाँ पर क्या है, उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। उसमें लिखा रहता है, वो बीच में बारी से लिखा रहता है कि आपको यहाँ पर हड्डी प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर इसको खुली है, वहाँ पर ग्राउंड है, पावर है, पावर है, पावर है, पावर बटन बेल है, यहाँ पर पावर स्विच, पावर स्विच कहाँ पर है, ये पॉइंट सुनी दुबार है, जैसे करना है, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई है तो आपको उसको भी टाइप एंड से उसको बांध देना है। तो अभी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमको खाली चेक करके आपको दिखाना है कि ये सिस्टम असेंबल्ड हो चुका है। अभी देखिए पूरा रेडी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो जो पॉइंट है, पॉइंट को सब लॉक करेंगे। यहाँ पर एक है, इसको भी हमको लॉक करना है, यहाँ पर एक पॉइंट भी उसको जैसे इसमें इसको लॉक करेंगे, इसलिए हम दो ही लगा देंगे। मेरा पूरा असेंबल हो चुका है, यहाँ पर कोई प्लेट को ले लिया ना, इसको भी बंद कर देंगे। अब इसको पेस्ट करके आपको दिखाएंगे, तो आपका सिस्टम असेंबल हो चुका है। इसका हार्ड डिस्क लगाएंगे, हार्ड डिस्क लगा के इसको सेव कर देंगे। इसमें बूट मैनेजर है, बूट मेनू है, जैसे बूट मेनू में हम बूट मेनू के हिसाब से इसको कर लेते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हार्ड डिस्क लगानी है, इसलिए यहाँ पर टू टेम्परेचर सब दिखाएगा, यहाँ पर सब कुछ सब अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो एडवांस सिस्टम है, आपको सब दिखेगा, जैसे माइक ट्यूनर, फिर इसके बाद मेन एआई स्पीकर, एडवांस मॉनिटर, आपको सब दिखेगा, फिर बूटिंग का भी ये दिखेगा, फिर टूल भी यहाँ पर दिखेगा, आसुस का है तो आसुस का ही अपना टूल से, तो ये सबको देख के इसी हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा। अभी कोई मार्ग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको 10-11 जो भी लोड करेंगे वो आपका लोड हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आप भी ऐसे ही अपना सिस्टम को असेंबल कीजिए, उसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप ये सब मार्केट से मिल जाएगा या कोई ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर से आप खरीद लीजिए, खरीद के इसको आप इसको बना सकते हैं।